जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 23 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का लगभग एक हफ्ते का करेंट अफेयर्स में देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स की दृष्टि से। अभी देखिए कि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तो हम लोगों को और सीरियस तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, हफ्ते भर में मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सीक्वेंस में लेकर के चलो। ठीक है, आप लोगों को जो भी मैं वीडियो यहाँ पे दे रहा हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से उसको ध्यान से प्रिपेयर करें, अच्छे से समझें और नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे मैप प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही मैप प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे स्प्रेटली द्वीप, और भी इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, उन सभी को हम लोग मैप में देखने वाले हैं। उसके बाद से इसराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली, इसको देखेंगे। फिर मंगल ग्रह या लाल ग्रह पर भूकंप, सभी इंपॉर्टेंस टॉपिक है। ठीक है, आप लोग रुक करके समझिएगा, नॉर्मल यहाँ पे आपको हेडिंग से ऐसा कुछ लग सकता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोग मेरे और भी वीडियो अगर देखे होंगे करंट अफेयर्स का, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इम्पोर्टेंस जो होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से देख समझ करके ही मैं आपको बताता हूँ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए वीडियो जैसे कि आज ये 23 का 23 से लेकर के 30 तक का करंट अफेयर्स है, उसके बाद आप नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं है। आप अगर गेप हुआ होगा बीच में, तो आप लोग पिछला जो वीडियो उसको जा करके देखिए, आपको टॉपिक से मतलब है। ठीक है, टॉपिक आपका जितना बेहतर तरीके से कवर हो, जितना अच्छे तरीके से आप उसको समझ सके, तो जितना भी मेरे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में, आप सभी को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा कि उसका डेट चला गया तो उसको पढ़ने का मतलब नहीं है। सभी टॉपिक्स में अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड हो, सभी चीज़ों को मैं अच्छे से समझाया हूँ। तो आप लोग उसको मतलब ऐसे मत कीजिएगा कि डेट चला गया। आप लोगों को तैयारी कैसे करना है, आप लोग इतना समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा हिंट करता हूँ, हिंट करना ज़रूरत है, कई बार आपके माइंड में ये बातें नहीं आ रही होंगी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, विधेयकों के विरुद्ध दल बदल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको सारी चीज़ें इसमें समझाऊंगा। उसके बाद से ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया समिट 2023, ठीक है, इसको भी देखेंगे। फिर पिंक वॉल वॉर्म ग्रेफाइट के निर्यात पर प्रतिबंध, उसके बाद से गुजरात का जो धोडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में ये सेलेक्ट हुआ है, इसको पुरस्कार मिला हुआ है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, जगह नहीं बचा हुआ है, इसलिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब एक हफ्ते का है, बल्कि इतना ही नहीं, और भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग का धैर्य जो है वो समाप्त होने लगता है। देखिए, इसमें जो हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप धैर्य बना करके रखें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप शालीनता से धैर्य से अपनी तैयारी करेंगे, देखिए एक चूक, हम लोग अभी कितना है, हम लोग अभी जैसे एक दिन, हम लोग आज साल भर से तैयारी कर रहे हैं ना, अभी जब हम लोग जब प्रीलिम्स आएगा 2024 का और हम लोग उस दिन एग्जाम देने जाएंगे, मतलब अगर मैं दिन भर भी मान के चलूँ ना, तो साल भर का केवल एक दिन में जो है हमारा पूरा परिणाम वहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि हम लोग अगला मेंस के लिए सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, है ना। तो जो साल भर का जो मेहनत है, अगर साल भर में अगर आप थोड़ा जो साल भर जो मेहनत कर उसमें अगर थोड़ा सा कमी कर दे रहे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है बाद में मतलब एक तरीके से पछतावा होगा। ठीक है, तो ये गलती ना करें आप लोग, अभी भी जो समय है उसके लिए थोड़ा धैर्य बना करके रखें, और अगर आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आपको थोड़ा भी यहाँ से बेहतर सीखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर सीखें। ठीक है, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी फोकस करके ही मैं ये सब चीज़ों को लेकर के आता हूँ, है ना, भले ही लेट होता है, लेकिन आप लोगों को मैं बेहतर चीज़ें ही प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। और ये जो सभी टॉपिक्स जो हैं, ये सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, केलोएस एकेडमी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, और लिंक भी मिल जाता है वीडियो में, तो आप लोग जा करके थोड़ा सा आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाता है और आपको
जो है एक तरीके से रिमेम्बर हो जाता है, याद हो जाता है कि हाँ भाई अभी जो है करेंट अफेयर्स का वीडियो, चाहे हमारे अभी चैनल पे टेस्ट का भी आप देख रहे हैं वीडियो आ रहा है, तो आप लोग उस टेस्ट भी उसको दे सकते हैं, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके बल्कि टेस्ट दें, और जो मैं अभी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ इसी से संबंधित होता है, आप जितना अच्छा टॉपिक को तैयारी करेंगे उसके बाद आप टेस्ट देंगे तो आप अपना एक प्रिपेयर भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे से समझें पढ़ें, ठीक है। मेंस के लिए भी आपको मैं लगातार प्रैक्टिस के लिए प्रश्न देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग मैप का प्रैक्टिस करेंगे। मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे स्प्रेटली द्वीप समूह के अंतर्गत और सेकेंड थॉमस शोल, ये दो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे जो नाम यहाँ दिख रहे हैं ये सब नाम जो हैं आपको देखेंगे कि मैप में इस तरीके से नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो कहाँ से संबंधित है या फिर किस देश से संबंधित है ना। तो अभी जो है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आप लगातार ये जो क्षेत्र देखेंगे, ये वाला पूरा ये साउथ चाइना का, साउथ चाइना सी का जो एरिया देख रहे हैं लगातार विवादित रहता है ना। तो यहाँ पे भी अभी जो है चीन और फिलीपींस के बीच में लगातार विवाद चल रहा है, ठीक है। तो इसी एरिया में ये दोनों जो द्वीप है, ये स्प्रेटली द्वीप, ठीक है, और सेकेंड थॉमस शोल, तो हम लोग को इसको मैप में देखना है। हमारे हिसाब से हमको ये देखना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये जो मैप है ना, ये मैप में हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से बार बार फोकस तरीके से, मैं आपको पहले ही बताया था क्या कीजिएगा, एक अलग से सेपरेट नोट्स बनाइए केवल और केवल मैप का, ठीक है, उससे आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये जो एरिया है ये साउथ चाइना सी का एरिया है। इस यहाँ पे एक और मैप है, आपको मैं ये जो है इस तरीके से जो लाइन कर रहा हूँ इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए ये रेड कलर में जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ये, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला जो एरिया है ये है स्प्रेटली आइलैंड, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये है स्प्रेटली आइलैंड, एक ये हो गया। कहाँ पे है ये? साउथ चाइना सी में। प्रश्न क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 4 5, है ना, और निम्नलिखित में से इसमें कौन कौन से ऐसे द्वीप जो हैं वो लोग साउथ चाइना सी में लोकेटेड हैं इस तरीके से, ठीक है, या फिर चीन और फिलीपींस के बीच में जो विवादित हैं उसमें कौन कौन से, इस तरीके से जैसे भी अब यूपीएससी प्रश्न बनाए, ठीक है। तो हमको ध्यान में ये रखना है कि ये साउथ चाइना सी जो है इसी के अंतर्गत ये द्वीप है, एक तो ये स्प्रेटली द्वीप, ठीक है, इसी के जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले को, आप क्षेत्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है इसी क्षेत्र में जो है आपको ये पूरा जो ये सेकेंड थॉमस सोल जो है इस तरीके का समूह दिखेगा। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं डॉट डॉट, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ का क्षेत्र है, ठीक है, इसको बड़े लेवल पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, तो इसको मतलब थोड़ा सा क्या करेंगे, सेम ऐसे ही डॉट डॉट करके बड़े लेवल पे मैप में अपने नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि सीक्वेंस में कौन कौन से हैं, ठीक है। हालांकि वर्ल्ड जो मैप होता है उसमें बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं बनाता, वो लगभग हमारे जो इंडिया लेवल का जो मैप है उसमें बना लेता है, ठीक है, तो लगभग ऐसा नहीं पूछा जाता। फिर भी अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4 ऐसे ऐसे अलग अलग नाम है, तो और उसमें एक विवादित है, जैसे कि हम लोग सेकेंड थॉमस सोल देख रहे हैं, तो सेकेंड थॉमस सोल जो है अगर ये विवादित है तो इससे जुड़े हुए चीज़ें जो हैं वो भी पूछा जा सकता है। नॉर्मली यहाँ सबसे ज्यादा संभावना यही है कि जो जो ये साउथ चाइना सी है इसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में भी रखना पड़ेगा। ये भी एरिया कहाँ पे है, तो साउथ चाइना सी में आपको दिखेगा, फिलीपींस का ये एरिया है, ठीक है। अब चाइना ये तो पूरा, ये जो आप ये लकीर देख रहे हैं ये वाला जो मैप, ये ठीक है, ये पूरे को ही ये दावा करता है चाइना, ठीक है, और ये फिलीपींस का कहना है कि ये मेरे अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, मेरे बॉर्डर लाइंस के अंतर्गत ही आ रहा है। अब दोनों के बीच में इसलिए भी बात चल रहा है, ठीक है। तो मैप में आप इन सभी को थोड़ा सा
ज़्यादा अच्छे से नोट्स एक बना करके रख लीजिएगा। लगभग 1 से 2 सेकंड लगेगा इसको देखने में, लेकिन आपको याद हो जाएगा उससे, ठीक है ना। तो ये हम लोग मैप देख लिए, अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए इसराइल का आयरन डोम रक्षा प्रणाली, आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि ये जो इसराइल है, फिलीपींस है, इन इनमें लगातार विवाद चल रहा है ना। मैं उसको उसके बारे में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम लोग को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी दृष्टि से मैं आपको डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी हम लोगों ने केवल यही देखा था जो इम्पोर्टेंट है, इसराइल फिलीपींस से संबंधित जो भी मैप से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखे थे, है ना। तो अभी आप लोग पिछला 2023 का अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को कई बार मैं डिस्कस भी किया हूँ इसमें मैप से संबंधित चीज़ें, या फिर जो वर्ल्ड लेवल पे जो प्रश्न है वो कैसे बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इसराइल से संबंधित और भी इसी तरीके से टॉपिक से संबंधित प्रश्न बने हुए दिखे थे। उसी के बेस पर हम लोग इसको भी तैयार कर रहे हैं कि आयरन डोम रक्षा प्रणाली जो है वो किस देश से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न तो नॉर्मल एकदम आसान जो है वर्ल्ड लेवल पे इसी तरीके से बन सकता है। तो आप यहाँ भी याद रखेंगे कि आयरन डोम रक्षा प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है, तो इसराइल से संबंधित है, ठीक है। ये किस तरीके से काम आता है, तो जितने भी ये रॉकेट्स वगैरह, छोटे रॉकेट्स वगैरह हैं, इन सभी को ये कहीं ना कहीं ध्वंस करने के लिए, मतलब एक तरीके से क्या करेगा उसको, फेलियर मतलब फेल करने के लिए उसको, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि रॉकेट्स लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके हमले को फेल करने के लिए, उसको पूरा समाप्त करने के लिए ये एक सिस्टम इस तरीके से लॉन्च किया गया है इसराइल के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग को एकदम नॉर्मल बस इतना ही याद रखना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि जो आयरन डोम रक्षा प्रणाली है ये इसराइल से संबंधित है, ठीक है। इसराइल का जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है, इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये जो सिस्टम है, बस इतना चीज याद रखना आप लोग, 2 पॉइंट बस, कि आयरन डोम रक्षा प्रणाली जो है वो इसराइल से संबंधित है, ठीक है। और ये किस लिए इसको डेवलप किया, ये तो मैं आपको बता दी, नॉर्मली बस उतना ही चीजें हैं। और जो है यहाँ पे मतलब इसराइल का, अब इसराइल का ही ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है, इसी के अंतर्गत ये मतलब इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। बस इतना याद रखना है इसमें। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, मंगल ग्रह, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं लाल ग्रह। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी भूकंप देखा गया है, ठीक है। लगभग इसमें 4.7 की तीव्रता वाली भूकंप यहाँ पे दर्ज की गई। कैसे दर्ज की गई, तो आप याद रखेंगे कि नासा के द्वारा, नासा का एक यहाँ पे सैटेलाइट है, क्या है, इनसाइट लैंडर। तो इनसाइट लैंडर जो है वो किससे संबंधित है, तो वो नासा से संबंधित है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है अभी यहाँ पे मतलब ये जो लाल ग्रह है या फिर मंगल ग्रह है, इस पे भूकंप की तीव्रता यहाँ पे देखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भूकंप आया हुआ है, इस भूकंप को हम लोग थोड़ा सा बस इतना समझते हैं, क्योंकि क्या है थोड़ा मतलब उसके पीछे की जो अगर घटना थोड़ा सा याद रखें तो याद रहेगा, थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो नॉर्मली हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो भूकंप की जो घटना है ना, अभी यहाँ पे जैसे मंगल ग्रह में भूकंप का घटना देखा गया, लेकिन ये जो घटना है ना, ये पृथ्वी पे जिस तरीके से घटना होता है, जो प्लेटें टकराने से इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, वैसा घटना यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो घटनाएं अगर इस तरीके से देखी गई, तो ये इसके आंतरिक जो परत है ना, उसके तनाव के कारण से ये घटना देखने को मिला, भूकंप देखने को मिला है। इस पे जैसे अलग अलग जो प्लेटें हैं वैसा यहाँ पे नहीं, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मंगल ग्रह पे भी लगातार कई सारे देश जो हैं इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे भी एक तरीके से जीवन का संभावना है क्या, है ना। तो इसलिए भी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखेंगे कि जो ये साइन साइट जो इन साइट लैंडर जो है,
इसके द्वारा ये पता चला है। और इनसाइट लैंडर किसके किसके अंतर्गत है, तो नासा के अंतर्गत है। और जो भूकंप है वो कहाँ देखा गया, तो मंगल ग्रह पे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि मंगल ग्रह के मतलब मंगल ग्रह के बारे में ये क्या है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। छोटी छोटी चीजें कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है ना। तो देखिए, मंगल ग्रह जो है इसके बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे कि ये सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद से ये चौथा ग्रह है। ठीक है, और ये सूर्य की जो परिक्रमा है ये 687 दिनों में पूरी करता है मंगल ग्रह। ठीक है, इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो इसका सतह जो है वो लाल होने के कारण से इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं आप। अगर घूर्णन का गति अगर इसकी देखें, तो ये जो पृथ्वी है पृथ्वी के समान ही ये भी गति करता है। ठीक है, इसके दो उपग्रह भी हैं, इन दोनों के नाम है फोबोस और डीमोस। जो डीमोस है ना, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक पर्वत भी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो ये जो पर्वत है ना, ये एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ फैक्ट जो है इसमें याद रखेंगे। और सर्वप्रथम मार्क्स ओडेसी ये नामक एक कृत्रिम उपग्रह के द्वारा जो है यहाँ पे ना बर्फ की जो मतलब एक तरीके से पर्वत के ऊपर अब पूरा बर्फ जमे रहते हैं ना, तो उस तरीके से यहाँ पे बर्फ देखा गया। मतलब कहीं ना कहीं जल का एक संभावना भी यहाँ पे देखा गया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और लगातार जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे सभी देश जो है यहाँ पे जीवन का भी एक कहीं ना कहीं उसके लिए अध्ययन कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जीवन की कोई संभावना है कि नहीं है। तो जो फैक्ट था हम लोग फैक्ट देख लिए इसमें। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं विधेयकों के विरुद्ध दल बदल। ठीक है, आपको ये जो टॉपिक है ना, ये पॉलिटी से संबंधित टॉपिक्स है, आपको ये प्री मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और लगभग इस तरीके के टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलता है हमेशा। ठीक है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये सब में थोड़ा सा समझ ज़्यादा जरूरी होता है फैक्ट के साथ, है ना। तो दल बदल विरोधी जो ये एक कानून है ना, उससे पहले हम लोग उसको पूरा अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा उसको। लेकिन जो ये दल बदल है, आखिर इसका क्या मतलब क्या है, सिंपल भाषा में हम लोग इसको क्या समझते हैं। तो देखिए, दल बदल का क्या मतलब होता है, देखिए अलग अलग बहुत सारे पार्टी से हम लोग देखते हैं अपने नेशनल लेवल पे, ठीक है, राज्य लेवल पे अलग अलग पार्टियां हैं। वे पार्टी जो है इन पार्टियों के अंतर्गत अगर वो राज्य लेवल पे है, तो वहां पे विधेयकों के साथ मिलकर के जो पार्टी जिस तरीके से बनी होती है वो पार्टी। ठीक है, यानी कि राज्यों में विधानसभा के अंतर्गत जो जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, यानी कि विधायक, तो ये सभी जो है इनके दल के ये सभी लोग। उसी तरीके से नेशनल लेवल पे हम लोग देखें संसद के जो सदस्य होते हैं, वो सभी सदस्य जो है एक साथ सांसद कहलाते हैं। तो ये सभी अपना अपना इनका संगठन होता है, इनका दल होता है। ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस दल का जो व्यक्ति है ये दूसरे दल में जा करके मिल जाता है, इस दल का कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी अन्य दल में जा करके मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं दल बदल। ठीक है, तो दल बदल के विरुद्ध में कानून लेकर के आया गया, यानी कि दल बदल को रोकने के लिए कानून लेकर के आया गया। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी रोकने की, तो देखिए ये क्या होता है ना कहीं एक सरकार के अंतर्गत, और या फिर हम लोग ये कहें कि हमारा जो एक सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है, मैनेजमेंट जो है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक अस्थिरता पैदा हो रहा था इसके कारण से। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी जो सत्ता में जो सरकार है, ठीक है, नेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं कि इनके बहुत सारे जो सांसद हैं उन सभी के समर्थन से, लोकसभा में आप देखते हैं इनकी कि उनके समर्थन से जो है
हर एक चीजें बिल पास करना चाहे, पूरा सरकार जो है उस पर बेस्ड है। अगर उसमें से कुछ जो है यहाँ से सांसद यहाँ से निकल जाए, इस दल को छोड़ दें, और इतना मतलब इतने सदस्य इसमें छोड़ दें कि जो है ये जो दल है ये पूरा टूटने के कगार पे आ जाए, मतलब अगर हम लोग उसको फिर से जो बहुमत बहुमत अगर यहाँ पे चेक करें तो ऐसा स्थिति होगा कि यहाँ जो है इस सरकार की बहुमत ही नहीं हो पा रही है उतना, और ये फिर सरकार क्या है गिर जाएगी, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा या फिर और मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो करना पड़ेगा अगर यहाँ से सांसद हटे तो, यानी कि इनका जो है बहुमत जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा घटना के कारण से क्या होगा, सरकार तो गिरेगी ही, लेकिन इससे पूरा जो गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है ना पूरे इंडिया लेवल पे, सारा मैनेजमेंट जो है वो पूरा मैनेजमेंट जो है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे 1985 में, ठीक है समझिएगा अच्छे से, बहुत सारी चीजें इसमें है उसको समझाऊंगा, 1985 में एक विधेयक लेकर के आया गया, ठीक है। वो विधेयक था दल बदल विरोधी अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर आप लोग अनुसूचियां जानते हैं, है ना, बहुत बेसिक सा चीज है, तो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। इस 10वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे ही कहते हैं दल बदल करके, 10वीं अनुसूची में क्या है तो दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो है। तो समझिएगा इसको, ये कहानी जो समझ गए, इसी कहानी को रोकने के लिए देखिए यहाँ पे चित्र भी अच्छा है, मैं इधर चला उधर चला, दोनों जो है सांसद चाहे विधेयक जो है इनको रोकने के लिए क्या किए, 1985 में एक अधिनियम लेकर के आए, और इस अधिनियम के अंतर्गत एक अनुसूची बनाया गया, वो अनुसूची था 10वीं अनुसूची। इस 10वीं अनुसूची में बहुत सारे दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए, ठीक है। प्रावधान क्या क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा, नॉर्मल प्रश्न भी आपको बनेगा ना प्रीलिम्स में कि दल बदल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या गलत है, तो फिर अगर आप उसको अच्छे से समझ नहीं समझे रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा वहां पे, एकदम आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, समझेगा अच्छे से। देखिए अगर कोई, अब इस ये जो नियम है जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई, पहला पॉइंट ठीक है, अगर कोई चाहे वो यहाँ पे देखिएगा कि चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधेयक हो, विधायक हो, ठीक है, दोनों के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इसमें कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कि अयोग्य कौन कौन से लोग होंगे, तो पहला कंडीशन अगर कोई निर्वाचित व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई निर्वाचित व्यक्ति है, समझिएगा इसको, निर्वाचित व्यक्ति है मतलब उस सदस्य है, ठीक है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो संसद का हो, अगर वो स्वेच्छा से उस दल को छोड़ देगा तो वो क्या होगा, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य होगा, अयोग्य होगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में कौन अयोग्य होगा, तो दूसरे कंडीशन में जो लोग निर्दलीय लड़ते हैं, ठीक है, जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं उनको अपना स्थान प्राप्त होता है, अगर ये लोग किसी दूसरे दल में जाकर के मिल गए, ठीक है, ये किसी दूसरे दल में जाकर के मिल जाएगी, ये निर्दलीय है किसी दल में ही नहीं था, स्वतंत्र रूप से ही खड़ा हुआ, ठीक है, अब ये अगर व्यक्ति जो है दूसरे दल में जाकर के मिलेगा तो ये भी क्या होगा, अयोग्य होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन, दल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर ये व्यक्ति अपने दल में ना दे करके वोट जो है किसी भी समर्थन के लिए जो वोट है उस वोट को क्या करता है, ये दूसरे दल को जाकर के दे देता है, ऐसे कंडीशन में भी ये क्या होगा, अयोग्य होगा। तीसरा कंडीशन समझ में आया, देखिए ये सब यहाँ लिखा हुआ नहीं है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे पूरा फोकस करके समझिए। तीसरे कंडीशन में दल वाली ये स्थिति होती है तो फिर ऐसा होगा, अगर
कोई व्यक्ति जो है वो अपने दल के अंतर्गत जब भी वोटिंग वगैरह का जब ये सब समय आता है तब वो क्या रहता है, इससे अलग रहता है, वोट नहीं करता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, अयोग्य के अंतर्गत आएगा वो। ठीक है, हालांकि और डीपली कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं इसमें, जैसे नोटिस देना या फिर जो दल का जो मुख्य व्यक्ति है उसके ऊपर भी रहता है, तो ये अंदर की बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं परफेक्टली इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बातें हो गई सबसे मुख्य बातें। पांचवी बात क्या है, पांचवी बात ये है कि इसमें कुछ सदस्य जो होते हैं मनोनीत भी होते हैं। ठीक है, कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, तो मनोनीत व्यक्ति जो है अगर ये व्यक्ति 6 महीने का, इसको पास 6 महीने का समय मिलता है। ठीक है, ये जो मनोनीत व्यक्ति है ये अगर 6 महीने के अंदर में, याद रखिएगा अंदर ही अंदर में, 6 महीना नहीं हुआ उससे पहले किसी दल को ज्वाइन करेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 6 महीना हुआ उसके बाद से अगर ये किसी दूसरे दल में जाकर के शामिल हो जाता है तो ऐसे में भी इसकी योग जो है ये अयोग्य होगा, दल बदल के विरुद्ध अयोग्य घोषित होगा, यानी कि इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अयोग्य का मतलब होता है इसका जो जो सदन में जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मनोनीत भी होते हैं इसमें, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा लोग डायरेक्टली जो है चुनाव नहीं लड़ते है ना। उसके बाद से एक आखिरी कंडीशन जो छठवा कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, ये ऐसा कंडीशन है जिसमें कि अयोग्य लोग, ये लोग अयोग्य नहीं होंगे, एक कंडीशन है इसमें। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर इसमें 1/3 जो सदस्य हैं किसी भी दल के अंतर्गत, ठीक है समझिएगा इसको, किसी भी दल के अंतर्गत यदि 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो हैं वो लोग अपनी सहमति से इकट्ठा जो है ये लोग दूसरे दल में जा करके शामिल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में इसको अयोग्य नहीं माना जाएगा, इसको विलय माना जाएगा। विलय हो गया मतलब इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी संसद, ये जितने भी लोग हैं इन लोग। ठीक है, तो अगर ये लोग सांसद सदस्य हैं चाहे विधानमंडल विधानसभा के सदस्य हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने लोग अगर एक साथ जो है इस तरीके से दल बदल करते हैं तो इसमें ये एक अपवाद है। ठीक है, तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी के सदस्यता समाप्त नहीं होगी, लेकिन कंडीशन अभी और है, आगे समझिएगा इसको, थोड़ा सा मिटा दूं, समझिएगा ना अच्छे से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा एकदम आराम से कंफर्टेबल हो करके। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो कहानी हुआ यहाँ पे अपवाद वाला जो है 1/3 का, इसमें क्या हुआ थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। क्या प्रॉब्लम है, सरकार पहले से ही ये जो अधिनियम लेकर के आई थी 1985 में, इसका उद्देश्य था कि दल बदल को हम लोग कंट्रोल करें है ना, ताकि जो है सरकार की जो एक स्थिरता है वो बनी रहे, लेकिन अगर 1/3 लोग, कई बार इसमें राजनीति भी हो जाता है, 1/3 लोग एक साथ किसी दल से निकल जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वहां पे भी सरकार गिरने की स्थिति में आ जाएगी है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी ये अस्थिरता कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज और है ध्यान रखिएगा कि ये जितने लोग हैं जो सदस्य हैं उनकी भी तो अपनी अधिकार है ना, उनका भी तो अपना मन है, उनका भी अपना विचार है कि हम किसके दल के साथ मिले, तो हम लोग पूरा भी रोक नहीं सकते, तो इसलिए आगे चल करके 2003 में, याद रखिएगा 2003 में, 2003 में इक्यावन हुआ संविधान संशोधन, क्या इक्यानवे हुआ संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि 91, तो ये संशोधन फिर किया गया, ध्यान रखिएगा जितनी चीजें समझे बस उतने को अच्छे से आप समझ लो, आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न आए आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो 91 संशोधन किया गया। ठीक है, इस संशोधन में मुख्य रूप से इसी पर जो है फोकस करके इसमें संशोधन किया गया कि अब जो है 1/3 में ये लोग कहीं ना कहीं मतलब इसमें जो है अयोग्य हो जाएंगे, अगर 1/3 लोग एक साथ ये लोग दल बदल किए तो।
अब क्या किया गया इससे कंडीशन में, अब इसमें दो तिहाई लोग, यहाँ पे दो तिहाई लोग ठीक है, अगर दो तिहाई लोग अगर एक साथ दल बदल करेंगे तो ये अब विलय माना जाएगा, इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। मतलब जो इन 91 जो संशोधन किया गया, 91वां संशोधन जो किया गया 2003 में, इसमें क्या चेंजेस किया गया, वन थर्ड को छोड़ करके दो तिहाई जो है इसमें कर दिया गया कि अब दो तिहाई लोग, उससे और एक्स्ट्रा लोग अगर समर्थन करते हैं कि एक साथ दल बदल कर लें तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये दल बदल विरोधी जो कानून है उससे संबंधित हम लोग जो कहानी है यहाँ अच्छे से समझ गए हैं। इस कहानी को आप लोग कहानी के तरीके से याद रखें, भूले नहीं, नोट्स भी आप लोग बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें समझ में आ गया, कुछ और बातें इसमें, और क्या बातें हैं समझिएगा, कुछ और इम्पोर्टेंट खास बातें हैं, जैसे कि इसमें से जो कौन सा सांसद या विधेयक जो विधायक है वो दल बदल के जो मतलब दल बदल के अंतर्गत अयोग्य है, इसको कौन बताएगा ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है स्पीकर ठीक है, स्पीकर या फिर आता है अध्यक्ष ठीक है, इसी को अध्यक्ष भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे आता है अध्यक्ष की भूमिका ठीक है, तो अध्यक्ष की भूमिका को आप थोड़ा सा समझिए इसमें, बस दो चार पॉइंट और, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, इसको हम लोग जितना अच्छे समझेंगे उतना बेहतर रहेगा। अध्यक्ष की भूमिका इसमें क्या होती है कि लास्ट में जब हम लोग को ये पता चलता है कि कोई जो है सदस्य है, जो सदस्य है दल विरोध जो है दल बदल कर रहा है, तो ये जो मामला जाता है वो जाता है अध्यक्ष के पास ठीक है, सदन के अंतर्गत अध्यक्ष के पास ये जाता है मामला। अगर अध्यक्ष अगर बोलेगा कि हाँ ये जो है दल विरोध के अंतर्गत अब इसको अयोग्य किया जाए तो ही अयोग्य होगा, समझिएगा ना, इसके बिना नहीं होगा। तो आखिरी रूप से जो है पूर्ण निर्णय किसके ऊपर जाता है, स्पीकर या अध्यक्ष के ऊपर। और एक बात समझिएगा, इसी स्पीकर का भूमिका के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट में, जो ये स्पीकर है क्या इसके ऊपर कुछ लागू होता है क्या। स्पीकर का बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पीकर होता है ये अध्यक्ष होता है ना, ये भी सदन का ही सदस्य होता है, इसी में से चुन करके लोग एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक है, सभी अलग अलग टॉपिक्स हैं, हम लोगों को फोकस जहाँ पे जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं उसी पे पढ़ना है, उसी को हम लोग अच्छे समझना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ समझेंगे। तो ये जो अध्यक्ष है ना, इस अध्यक्ष को छूट भी मिलता है, जो अध्यक्ष है ये भी कभी ना कभी सदस्य था लेकिन आगे चल करके अध्यक्ष बन गया, तो जब ये अध्यक्ष बनता है ये व्यक्ति तो इसको छूट मिलता है। इसको क्या छूट मिलता है कि ये जो दल है जिस दल के अंतर्गत ये व्यक्ति जो अभी अध्यक्ष बन गया, ये इस दल से चाहे तो इस्तीफा दे सकता है ठीक है, उसको छोड़ सकता है या फिर दल बदल भी कर सकता है ठीक है। दल ये समाप्त इसका नहीं होगा, लेकिन इसका जो मतलब जो सदस्यता है, जो अयोग्य हम लोग जिसको कह रहे हैं, ये अयोग्य नहीं होगा उसके बाद भी। अगर ये दल को छोड़ देता है ना, तो जब ये अध्यक्ष से अपना इस्तीफा देगा, चाहे अध्यक्ष पद से जब हटेगा, तो ये फिर से अपने दल में ज्वाइन हो सकते हैं, तो इसको ये अध्यक्ष को ये छूट मिलता है ठीक है। अब कुछ और कंडीशन की बातें यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अयोग्यता वाला जो कंडीशन है, अध्यक्ष यदि किसी को अयोग्य घोषित कर दिया या फिर वो ये कहता है कि नहीं ये अयोग्य नहीं होगा ये व्यक्ति, अगर इस मामले में कोई विवाद होता है ठीक है, कोई विवाद अगर होता है इससे संबंधित, तो आखिरी निर्णय फिर अगर जो है कहाँ जाएगा है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है क्या, या फिर कहें कि ये कि क्या ये जो अध्यक्ष है इसके निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है क्या, समझ गए। मतलब ये ऐसा चीज है ना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा आप देखे होंगे, कई बार आपको जो है प्रीलिम्स में आपको ऐसा प्रश्न दिखता है जो राजनीति संबंधित हम लोग चीजें देखते हैं पॉलिटी के अंतर्गत, कि दो तीन टॉपिक दे दिया जाता है, लास्ट में ये चीज इसके अंतर्गत आता है, एक एक टॉपिक और जोड़ दिया जाता है कि ये पुनर्विचार के अधीन है कि नहीं है,
उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो एक मामला हुआ यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखिएगा, कोई कि हो तो होलोहान वाद, 1992 में ये वाद हुआ था, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जजमेंट दिया कि ये जो अध्यक्ष जो है ये फैसला सुनाएगा ना, इसका हम लोग पुनर्विचार इस पे कर सकते हैं, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा ये मामला। अगर इस पे विवाद हुआ और इसमें जो सदस्य जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, अगर वो व्यक्ति जो है इससे सहमत नहीं है, तो इस पे विवाद अगर होने के ऊपर जो स्थिति है उसका हम लोग पुनर्विचार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पुनर्विचार के अंतर्गत न्यायिक पुनर्गठन यानी कि संविधान के अंतर्गत ये भी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं ये इसी के अंतर्गत है। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा, इस पे पुनर्विचार किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अगर गलत होगा तो उसको गलत ठहरा सकते हैं, सही हो तो सही, ठीक है। एक और यहाँ पे अलग से, जैसे कई लोग जो है इस पे विचार भी करते हैं ना, अलग अलग से संगठन बनाया जाता है कि क्या करना चाहिए, तो एक दिनेश गोस्वामी सदस्य इनका अपना एक मतलब कई बार विचार करने के लिए जो गठन अलग अलग से एक संगठन वगैरह बनाते हैं, जो लोग विचार करते हैं इस पे, ठीक है। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे दिनेश गोस्वामी, ये लोगों ने जो है इनकी एक समिति थी, ये समिति जो है इस पे विचार कर रही थी कि आखिर जो है अंतिम जो निर्णय है जिसको, जो कि अभी अध्यक्ष के पास है, हम लोगों को उसको राष्ट्रपति को देना चाहिए। जो दिनेश गोस्वामी समिति जो है, संगठन अगर हम लोग कहें या समिति कहें, इन लोगों ने ऐसा अपना विचार प्रस्तुत किया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न अगर टॉपिक में आपको इस तरीके से आ जाए कि किसके ऊपर है ना, किसके ऊपर अंतिम निर्णय है, जो अध्यक्ष के ऊपर है अभी तो, है ना, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए सिफारिश किया गया था, या फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, राज्यपाल कहाँ, तो राज्यों में, राष्ट्रपति नेशनल लेवल पे। तो दिनेश गोस्वामी जो सदस्य समिति जो थे, इन लोगों ने ये सिफारिश किया था कि जो दल बदल का जो अंतिम निर्णय है वो राष्ट्रपति को दिया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी कौन करते हैं ये सब चीजें, तो ये स्पीकर या अध्यक्ष के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन कौन से समिति ने किया था, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये समिति ने सिफारिश किया था। तो दल बदल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एक तरीके से जो जो यहाँ पे टॉपिक्स जो थे जिनको बताना था, उन सभी को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। आप लोग को कितना अच्छे समझ में आए हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लगभग जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसको मैं कवर कर चुका हूँ, कुछ और अगर बचा हुआ होगा तो आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेंगे, है ना, पढ़ लेंगे उसको भी। सारी बातें बता चुका हूँ, उसमें और कुछ बातें नहीं है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। देखिए ये प्रश्न अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली टॉपिक्स यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि आखिर ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 जो है ये किस पर संबंधित है, या फिर ऐसे आता है निम्नलिखित जो है इस पे जो है कौन कौन सी बातें जो है सत्य हैं, असत्य हैं, इस तरीके से। तो एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिएगा कि ये कहाँ पे हुआ, तो ये मुंबई में हुआ, अभी न्यूज में है क्योंकि जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस समिट का उद्घाटन वगैरह किया, तो ये सब कोई भी ऐसी घटनाएं होती है न्यूज में आ जाता है ना। तो ये कहाँ पे हुआ, सबसे पहला चीज तो ये मुंबई में हुआ, ठीक है। दूसरा चीज इसमें मुख्य बातें क्या थी, तो सबसे मुख्य बातें थी इसमें नीली अर्थव्यवस्था को लेकर के इसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया। नीली अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, तो जितने भी हमारे समुद्री जो एरिया है और जितने भी समुद्र के जो संसाधन है, ठीक है, उसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से यूज करें, उससे संबंधित जितने भी हम लोग उसका समुद्र से संबंधित, ठीक है, उसका हम लोग जितना बेहतर तरीके से यूज कर सकें, उसको जितना बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें जिससे कि हमारा खुद इकोनॉमी जनरेट हो उससे,
अलग अलग तरीके से हम लोग विकास के सेक्टर में भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। पोर्ट वगैरह इस तरीके से जो जो ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है इन सब का डेवलपमेंट कर सकें, अंतरदेशीय जल मार्ग ये सब चीज़ों का एक अच्छा विकास कर सकें, व्यापार बढ़ा सकें, इन सभी को फोकस करके अमृत काल विजन 2027 ये इस तरीके का एक विजन भी यहाँ पे लेकर के आया गया। बस इतना ही बात इसमें ध्यान रखना है कि आखिर इसमें मुख्य रूप से क्या टॉपिक क्या था, फोकस पॉइंट क्या था इस समिट का, ठीक है। ये क्या समिट था आप समझ, मतलब किस पे फोकस था समझ में आ गया, ठीक है। और अमृतकाल विजन किससे संबंधित है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये किसके अंतर्गत आ गया, अब ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023, ठीक है, इसी के अंतर्गत ये विजन लेकर के आया गया है। इस विजन का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो उद्देश्य मैं आपको बताया, ये सारे उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे भी वही सब बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य वही सारी चीजें होंगी, डेवलपमेंट का उद्देश्य होगा, ठीक है। हाँ, मुख्य रूप से ये बात याद रखें कि आखिर इसका आयोजन कौन कौन लोगों ने किया, ठीक है। तो पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारतीय पतन संघ, फिर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है। तो इतने लोगों ने मिल करके जो है इसका आयोजन किया था, याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, पिंक वॉल वर्म, पिंक वॉल वर्म, ठीक है। तो ये आखिर किससे संबंधित है, पहले टॉपिक नंबर इसी इसी पे तो लगभग जो है प्रश्न बन जाता है, बीटी कपास से भी प्रश्न बना हुआ था, तो बीटी पका जो जो कपास है इसको भी कहीं ना कहीं ये हार में पहुंचाने लगा है, ये जो एक तरीके से ये कीट है ना, पिंक वॉल वर्म, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो ये कपासों को, कपास जो है कपास के सेक्टर में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये अभी न्यूज में है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो पिंक वॉल वर्म है ना, ये इसको हम लोग मतलब गुलाबी कीट हिंदी में कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। और इससे संबंधित कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि पूरा उत्तरी भारत जो क्षेत्र, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, इन सभी में ना जो कपास का जो फसल है उसको बहुत ज्यादा ये गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, ये वाला जो कीट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो बीटी कपास है, ठीक है, बीटी कपास जो है मतलब इसको एक अलग तरीके से, जो ये बीटी कपास जो है ना इसको अलग तरीके से प्रतिरोधी क्षमता के रूप में इसको डेवलप किया गया था बीटी कपास को, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी यहाँ तक कि प्रभावित कर दे रहा है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और क्या क्या बातें हैं। तो ये जो कीट है ना, इसको तो समझ गए आप कीट के बारे में, और कुछ बातें इसी का, तो ये जो कीट जो है ना, ये कीट जो है वयस्क कीट, ये लोग केवल 2 सप्ताह तक ये लोग जीवित रहते हैं, लेकिन 2 सप्ताह में ये लोग बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देते हैं। मादाएं जो हैं वो कीट एक बार में लगभग 200 से अधिक अंडे देती हैं ये लोग, और ये जो कीट हैं ये अब लगभग विश्व के सभी कपास उत्पादक देशों में लगभग ये लोग पाए जाते हैं। ये कीट कपास की कलियों और बीज कोषों को क्षति पहुंचाते हैं, और डायरेक्टली उस पर ये लोग क्षति पहुंचा रहे हैं तो नुकसान तो होगा फिर, है ना। तो ये कीट के बारे में कुछ चीजें, बीटी कपास के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बातें देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो बीटी कपास है ना, इसका निर्माण जो है वो कैसे किया गया, तो बेसिलस थुरियन जीएनसिस नामक जीवाणु के प्रोटीन के द्वारा इसका हम लोग इसका विकास हुआ, ठीक है। ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु अपने स्ट्रेन से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, जो कि विशेष प्रकार के कीटों को मारने में सक्षम होती है। और ऐसे प्रोटीन के जीन को जब जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कपास के पौधे में डालकर पीड़क या फिर मतलब प्रतिरोधी नाशक जो है उसको बनाया जाता है,
और इसी के माध्यम से जो कपास बनता है, इसी कपास को हम लोग कहते हैं बीटी कपास। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये कपास। तो इस प्रकार से इसको प्रतिरोधी तरीके से इस कपास को डेवलप किया जाता है ताकि इस पे कीड़े वगैरह ना लगे, लेकिन इसको भी प्रभावित कर दे रहा है ये कीड़ा जो अभी देखें आप। समझ में आ गया? नॉर्मल देखिए, जो जितना पढ़ना हम लोग उतना ही मैं उस चीज को पढ़ा रहा हूँ। जिस चीज को विस्तार से पढ़ाना होगा उसको मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ और एड ऑन कर सकते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अन्यथा पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग थोड़े थोड़े चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से याद रखें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें और याद रखें उसको। देखिए, ग्रेफाइट के निर्यात पर अभी जो है चाइना के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है इस पे भी। इससे पहले मैं आप लोगों को गैलियम और जर्मेनियम के बारे में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ करके अब रखिएगा, ग्रेफाइट हो गया और गैलियम जर्मेनियम। इस पर जो है लगातार जो है चीन जो है अब धीरे धीरे रोक लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीन, मतलब चीन तो एक तरीके से व्यापार से संबंधित जो है इसका अपना मैनेजमेंट है, उससे हम लोग दिक्कत नहीं है। इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि चीन जो है ना, चीन ग्रेफाइट की उत्पादन में लगभग 65% तक इसका, मतलब उत्पादन से लेकर के निर्यात तक का ये अपना खुद से अपना इसका प्रभुत्व है इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है ना। अपना ये चीन ये बताता है कि सिक्योरिटी के संबंधित चीजें हैं, इसलिए हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो प्रीलिम्स में आपको ये पूछ सकता है कि अभी ये जो, मतलब इसमें जो ये तत्व जो है, ये लोग गैलियम और जर्मेनियम फिर ग्रेफाइट, इन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो इनसे संबंधित कुछ बातें पूछ सकता है, जैसे कि उत्पादन, उत्पादक से लेकर के निर्यात। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज पता चल गया कि जो चीन है वो ग्रेफाइट का जो निर्यात या फिर उत्पादन है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में कुछ और भी बातें पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, ग्रेफाइट के बारे में कुछ कुछ बातें, जैसे कि ग्रेफाइट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो कि कार्बन से बना होता है। यह कार्बन के तीन क्रिस्टलीय रूपों में से एक है, जैसे कि अन्य दो और कौन कौन से, तो हीरा और कार्बन, जिसमें हम लोग चारकोल वगैरह देखते हैं। जो ग्रेफाइट होता है ना, ये विद्युत और ताप का सुचालक होता है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को ध्यान रखिएगा। उपयोग क्या होता है, तो यही सब उपयोग है, जैसे कि बैटरी के लिए, इलेक्ट्रोड के उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग में, पेंसिल, फिर फाउंड्री फेसिंग, पॉलिश, आर्क लैंप, बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, ब्रश, परमाणु रिएक्टर के कोर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ग्रेफाइट से संबंधित नॉर्मल प्रश्न ऐसे बन सकता है कि हाल ही में जो है ग्रेफाइट चीन के द्वारा जो है इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले टॉपिक, निर्यात का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, या तो सही कहेगा तो चीन है। दूसरे कंडीशन में, जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग जो है ये सभी चीजों में किया जाता है। तीसरे पॉइंट में दे देगा कि ये जो है विद्युत ताप का सुचालक है, कुचालक है, इस तरीके से ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें। वैश्विक भंडार में क्या स्थिति है, तो आप लोगों को मैं बताया कि उत्पादन की स्थिति में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो है चीन है सबसे पहले नंबर पे, लेकिन भंडार की स्थिति में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा, अगर एशिया की बात करें तो तुर्की, मतलब पूरे हम लोग देख सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो यहाँ पे तुर्की जो है सबसे ज्यादा इसके पास भंडार है। याद रखिएगा, भंडार और उत्पादन में अंतर है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्राजील। ब्राजील के पास भी, मतलब सेकेंड नंबर पे इसके पास भी बहुत बड़ा भंडार है।
उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है चीन, ठीक है, लास्ट उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में हम लोग देखते हैं तो लगभग 43% सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में हम लोग को भंडार देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में 37%, झारखंड में 6%, तमिलनाडु में 5 और उड़ीसा में 3% तक का हम लोग को ग्रेफाइट का भंडार देखने को मिलता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें भी डेवलपमेंट करने का इसका, ताकि हम लोग को जो है बहुत ज्यादातर हम लोग ग्रेफाइट का आयात ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को दूसरे देशों पे निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि हम लोग अभी जैसे ये निर्यात पे प्रतिबंध लगा रहे हैं चाइना, ठीक है, उसके कारण से हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी अभी चीजें देखें हम लोगों अगर बनाने में बाधाएं होंगी तो फिर उसका प्राइस वगैरह बढ़ेगा, और फिर अगर प्राइस बढ़ेगा तो फिर मार्केट में आप समझ रहे हैं कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट डाउन जाता है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है गुजरात का धोडो, मतलब ये एक गांव है धोडो, ठीक है, इसको अभी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, किताब मिला है, बहुत अच्छा गांव, मतलब इसको मैं देख रहा था सर्च करके तो बहुत प्यारा प्यारा इस तरीके से घर है, बहुत अच्छे से साफ सफाई है ना, मतलब एक तरीके से पर्यटन का मतलब यही है कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो आपको उस जगह पे घूम करके उस जगह को देख करके उस जगह का वातावरण आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करे, मतलब आपके मन को शांत कर दे, ऐसा एक एक बहुत अच्छा मतलब एक महसूस हो, ठीक है। तो ऐसे जगह पर ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है इसको देखता है, समझता है और उसी के हिसाब से उस क्षेत्र को, उस गांव को किताब प्रदान करता है, यानी कि उसको एक सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित कर देता है। उससे क्या होता है, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो आप ये वाला क्षेत्र गुजरात का जो गांव है, इस गांव में इस तरीके से घर देख सकते हैं, मतलब एक पर्यटन के लिए बहुत अच्छा, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बताया गया इस जगह पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ का गांव जो है इस तरीके का किताब कौन देता है, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। अभी 2023 में कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था और वहीं पे जो है इसी समारोह के अंतर्गत इस गांव को ये किताब मिला है, ठीक है। आखिर किसी को, किसी भी गांव को इस तरीके के मतलब किताब जो है वो क्यों मिलेगा, क्योंकि उसकी कुछ कुछ खासियत होंगी, जैसे कि सांस्कृतिक विरासत संबंधित हस्तशिल्प आप देख रहे हैं, ठीक है, प्रसिद्ध रण उस उत्सव से संबंधित चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा स्थिति है यहाँ, पर्यटकों की सुरक्षा संबंधी मतलब बहुत सारी चीजें जो कि एक सौंदर्य के लिए यहाँ पे आप देख रहे गांव को कितना बेहतर तरीके सजा करके रखा है। अब जितना बेहतर तरीके से गांव के लोगों ने इसको सजा करके रखेंगे यहाँ पे, उतना बेहतर तरीके से पूरा सौंदर्य इसका निखरेगा, उससे क्या होगा, उससे पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक आकर्षित करने का, यहाँ पे आकर्षित होंगे, यहाँ पे आएंगे पर्यटक लोग, है ना। पर्यटकों को जितनी सुविधाएं जरूरत होती है वो सभी सुविधाएं भी अवेलेबल होंगी, उससे क्या होगा, उससे गांव का, गांव के लोगों का भी आर्थिक विकास होता है, ठीक है, और विश्व को भी उससे नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें इसमें देख लेते हैं, जैसे कि ये जो संगठन है इस संगठन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, अगर हम लोग इंग्लिश इंग्लिश में देखें फुल फॉर्म में तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब इसका गठन किया गया, याद रखिएगा कि ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ये संगठन है, कब बनाया गया, तो 1974 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मैड्रिड स्पेन में, ठीक है, और ये किस सेक्टर में काम करता है, तो टूरिज्म से संबंधित, ठीक
ठीक है, इंडिया भी इसका सदस्य है 1975 से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न आपको देखे होंगे, तो ये जो बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव जो है ना, ये इनिशिएटिव भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेकर के आया गया है, और इसी के माध्यम से है जो जितने भी जो गांव हैं वो अगर टूरिज्म के लिए बेहतर होते हैं, पर्यटन के लिए बेहतर होते हैं, तो उनको इसी इनिशिएटिव के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा। अभी आप लोगों ने जो है यहाँ पे चक्रवात एक तेज नाम से, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में। ठीक है, तो ये जो तेज है ये भारत के द्वारा नाम दिया गया, कहाँ पे आया है, तो ये अरब सागर में आप देखे होंगे, वहां पे जो है केरल के क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया। तो ये मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे चक्रवात का नाम किससे संबंधित है, इतनी बातें, और इसमें खास बातें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें क्या होंगी, दो चीजें होंगी। तो चक्रवात जो है वो कैसे आते हैं, इसका बेसिक चीजें, और दूसरा चीज ये होगा कि खास करके यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है चक्रवातों के जो नाम है ये लोग कौन रखते हैं। ठीक है, तो चक्रवात कैसे आता है इसको हम लोग कभी और दिन पढ़ लेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देंगे कि यहाँ पे चक्रवात का नामकरण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए नामकरण के पीछे जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि जितने भी आसपास के देश हैं, है ना, जैसे महासागर से संबंधित जुड़े हुए जो देश हैं, उन सभी देशों के जो वहाँ पे मौसम विज्ञान विभाग होते हैं, वे सभी लोग एक साथ जुड़ने के बाद से ये लोग अपना अपना नाम सजेस्ट करके एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उस लिस्ट को एक जगह पर ये लोग सभी लोग मिल करके रखते हैं, एक नॉर्मल बता रहा हूँ मैं। और जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, कहीं भी चक्रवात आता है, तो सभी लोग अपने अपने मतलब जो नाम सुझाए हैं उन्हीं को अपने सिस्टम के अनुसार से वो लोग नाम वहां पे रखते हैं चक्रवात का। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि उसको पहचानने, उसका स्टडी करने में सुविधा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको जो लिखा हुआ है उस हिसाब से पढ़ते हैं। विश्व भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र और क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा नामित किया जाता है। भारत में मौसम विभाग जो है, विज्ञान विभाग जो है ये, और पांच अलग से ये जो चक्रवाती उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र जो है, ये लोग मिल करके दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र इसमें शामिल है। अच्छे समझ में आएगा इस टॉपिक में। देखिए, एक तो अपना भारत हो गया, ठीक है, और उसके अलावा मतलब यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, भारत वही है, फिर उसके बाद से मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये लोगों ने मिल करके, 8 ही लोग देश हैं, ठीक है, ये लोग मिल करके एक संगठन बनाते हैं। इन सभी के जितने मौसम विज्ञान विभाग हैं, ये सभी लोग सभी देशों के मिल करके 2000 में ये लोग संगठन बनाते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में अब ये लोग क्या किए हैं, सभी लोग मिल करके नाम सजेस्ट किए हैं, और उसी नाम को फिर ये लोग सजेस्ट करते हैं, उसी अल्फाबेट से अपना अपना सिस्टम होता है, उस हिसाब से लोग नाम रखते हैं। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि 2018 में इसमें पांच और सदस्य जुड़े। कौन कौन से लोग हैं? तो ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, और फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर यमन। ठीक है, तो ये लोग जुड़े इसमें, और अब इसमें लगभग ये लोग 13 लोग हो गए, 13 सदस्य हो गए। अब 13 सदस्य लोग मिल करके लिस्ट बनाते हैं, और उसी लिस्ट के साथ जब भी चक्रवात वगैरह आता है तो लोग अपने सिस्टम के अनुसार जो है ये लोग अपना नाम अलग अलग सजेस्ट करके रखे हैं, उसी हिसाब से नाम रखा जाता है। अब यहाँ पे मुख्य बातें हम लोग को याद रखने वाली क्या चीजें हैं, तो हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत खास बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत अगर चक्रवात आता है तो इसमें से जो संगठन है इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं जो कि ये लोग चक्रवातों का नाम रखते हैं। तो जितने देश है यहाँ पे, इन लोगों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इससे संबंधित इतनी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे।
अगला टॉपिक है ब्लू बॉन्ड। जो ब्लू बॉन्ड है ये ब्लू बॉन्ड न्यूज में है, क्योंकि जो ये ब्लू बॉन्ड है ना, ये भी आप देखेंगे, हम लोग इससे पहले भी देखें तो महासागर के जो संसाधन है ना, उन्हीं को रक्षा के लिए, उनका सतत उपयोग के लिए, उनको बेहतर तरीके से मैनेजमेंट के लिए ये विकसित किया गया है ब्लू बॉन्ड। ठीक है, तो ब्लू बॉन्ड अगर आपको नॉर्मल इस तरीके के टॉपिक आए कि ब्लू बॉन्ड आखिर किससे संबंधित है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ब्लू बॉन्ड जो है वो महासागरों के, उनके संसाधनों की रक्षा, उनके सतत विकास के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए इस तरीके का बॉन्ड लेकर के आया गया है। ठीक है, ये बॉन्ड उसी प्रकार से है जैसे कि आप देखें ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, मैं सभी को पढ़ाया हुआ हूँ आपको, इसी से संबंधित ये भी है। लेकिन ये किस सेक्टर में है, तो ये समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत, समुद्री महासागर के जो संसाधन है उनके सतत विकास पर ये केंद्रित होता है। ठीक है, ये वर्ड जो है, इसी वर्ड को थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान रखिएगा। इससे जो ये जो ब्लू बॉन्ड है ना, ये ब्लू बॉन्ड का दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, पहला तो हम लोग समझ गया, दूसरा चीज ये है कि आखिर ब्लू बॉन्ड को कौन कौन जारी कर सकता है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी, अब यहाँ पे अलग अलग संगठन है, चाहे सरकार है, ठीक है, चाहे अलग अलग जो अधिकृत बैंक है, वे बैंक भी इसमें जमा, मतलब इसको जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति जारी करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन के लिए इस तरीके से टॉपिक बन सकता है प्रश्न में कि इसको जो है WTO के द्वारा जारी किया जाता है, या यूएन नेशंस के द्वारा, या फिर भारत सरकार के द्वारा ही केवल जारी किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये अलग अलग बैंकें जारी कर सकती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है, और सरकार जो है ये भी जारी कर सकते हैं। अभी हमारे भारत में सेबी के द्वारा जो है पूरा ब्लू बॉन्ड के लिए जो दिशा निर्देश है उस पर सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये आखिर किससे संबंधित है, इसी को आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये ब्लू बॉन्ड जो है वो समुद्र के संसाधनों से संबंधित, उसके मैनेजमेंट से संबंधित है ये। ठीक है, तो लगभग इतने टॉपिक्स जो हैं वो सभी टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग देख लिया, और भी बहुत सारे बचे हुए टॉपिक्स हैं। देखिए बहुत लंबा गैप हो गया था, इसलिए मुझे अभी इतना ही मैं टॉपिक रखा हूँ इसमें। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग और जितने टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर लेंगे अगले वीडियो में, मतलब। ठीक है ना, अभी आप लोग इतने को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।